ऑलराइट, तो आज हम बात करेंगे कि जो मुस्लिम वुमेन है उसको अगर उसके साथ ऐसी कंडीशन आए कि उसका जो हस्बैंड है वो ट्रिपल तलाक कह के उससे डाइवोर्स लेता है तो उसको क्या करना चाहिए, और जो हमारा नया लॉ आया है द मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज 2019, उसके क्या क्या प्रोविज़न है इस चीज़ को रोकते हैं। ओके, तो सबसे पहले जो सेक्शन 3 है, सेक्शन 3 इस एक्ट का कहता है कि अगर कोई पर्सन ट्रिपल तलाक कहता है, यानी कि जो मुस्लिम कम्युनिटी में एक आपने सुना होगा, अगर आप एक मुस्लिम है तो आपको पता भी होगा कि 3 बार तलाक कहने से जो तलाक हो जाता था, लेकिन अब क्या हुआ है उसको वॉइड कर दिया है। तो सेक्शन 3 कहता है कि अगर कोई बोलता है या कोई लिखित में देता है या फिर कोई इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ट्रिपल तलाक देता है, यानी कि व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे वगैरह वगैरह वगैरह, तो वो एक वॉइड है, यानी कि वो अब माना नहीं जाएगा। वॉइड माने जीरो, यानी कि लॉ की नज़रों में वो कुछ नहीं है। ओके, तो सेक्शन 3 तो ये बोलता है कि वो वॉइड है। अब सेक्शन 4 ये बोलता है कि अगर कोई ऐसा करता है तो उसको पनिशमेंट हो सकती है विच में एक्सटेंड टू टर्म ऑफ 3 ईयर्स, यानी कि जो मैक्सिमम सजा है वो 3 साल तक हो सकती है और फाइन भी हो सकता है, कभी कभी दोनों भी हो जाते हैं, वो डिपेंड करता है केस के फैक्ट्स पे, केस की सरकमस्टेंस पे, कंडीशन पे, कैसा है कैसा नहीं है। ये तो हो गई जनरल बात। अब हम आपको बताते हैं अगर आपके साथ ऐसा होता है, यानी कि आपके कोई हस्बैंड है या फिर किसी का कोई हस्बैंड है उसको उसकी वाइफ को ऐसे बोलता है तो उसको क्या करना चाहिए। तो आपको इमीडिएटली FIR लिखानी चाहिए, यस, क्योंकि अब ये एक क्रिमिनल ऑफेंस है, यानी कि अब ये एक लॉ बन गया है। अगर आपके साथ ऐसा होता है तो आप कोर्ट में जा सकते हो, यानी आपको जस्टिस मिलेगा। तो आपको फर्स्ट स्टेप क्या करना है, आपने अपनी FIR लिखवानी है। ओके, अब मैं आपको बता देता हूँ इस ऑफेंस का नेचर क्या है, यानी कि नेचर ये है कि ये कंपाउंडेबल है। सपोज हस्बैंड ने 3 बार तलाक बोल दिया फिर वो बाद में माफ़ी मांग लेता है या फिर कुछ भी करता है, तो ये कंपाउंडेबल ऑफेंस है, इसमें समझौता हो सकता है। जरूरी नहीं है कि उसने बोल दिया तो आप उसको पनिशमेंट होके रहेगी, ऐसा कुछ नहीं है, उसको कंपाउंड भी किया जा सकता है। ओके, अब हस्बैंड बोले कि मेरे मुंह से निकल गई या फिर कुछ ऐसे करके बोल दे बाद में, यानी कि डिफेंस ले ले, तो उसको बचाया जा सकता है। ओके, और इसमें बेल का भी प्रोविज़न है, वो मैजिस्ट्रेट के ऊपर डिपेंड करता है वो उसको दे या ना दे कंडीशन के ऊपर। ओके, सो आई होप इट इज़ क्लियर कि क्या करना है क्या नहीं करना है ऐसी कंडीशन में। ओके, बाय।